आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं वीवीएमआई को प्रोग्रामिंग में इफ कंडीशंस की, और इफ कंडीशंस में हम बात करेंगे एल्स इफ की। चलिए शुरू करते हैं हम एल्स इफ के बारे में। एल्स इफ मतलब इफ के बाद इफ कैसे यूज किया जाए। तो एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक डेटा है, उसमें मान लीजिए कि मुझे कुछ इंसेंटिव देने हैं यहाँ पे, राइट। इंसेंटिव का हमारा स्लैब है कि 0 to 40 हुआ तो हमें 500 देना है, 41 to 80 हुआ तो 1000 देना है, 80 to 100 है तो मुझे 2000 देना है, और greater than 100 पे हमें 5000 देना है। इसलिए हम हालांकि नेस्टेड इफ यूज करते थे, बट हम वीवीएमआई को प्रोग्रामिंग यूज करना चाहते हैं। और मेरे पास है 798 टोटल रो, हम ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं लूप में, लेकिन फिलहाल हम लूप के बारे में आपको उतना नहीं पढ़ाए तो छोड़ देते हैं। तो यहां पे लिखते हैं सम सब इफ एल्स इफ की बात करें ना, बैक लिखे यहां देखिए सबसे पहले कि फोर आई इक्वल टू चले 2 कहां तक चले, ये हमारा है 798। सर ये करवा चुके हैं आपकी क्लास? नहीं 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 करवाया, ये नेस्टेड इफ नहीं, एल्स इफ नहीं करवाया मैंने आपको। ओके, ये एल्स इफ चल रहा है, इफ के अंदर एल्स। ओके, हम आर एज ए हमने करते हैं लॉन्ग, और यहां पे हम करते हैं R इक्वल टू रेंज A के साथ I, क्योंकि नेस्टेड इफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कई बार हमें लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इसको वेरिएबल पे डाल देते हैं। यहां होगा कि इफ R इज लेस देन इक्वल टू 40 देन, हमसे यहां पे R के जगह पे रिजल्ट के लिए भी एक आर ई नाम का बना लेते हैं, दो वेरिएबल ले लिए हमें, देन आर ई इक्वल टू ओके, देन यहां देंगे एल्स इफ, राइट सर, एल्स इफ आर इज लेस देन इक्वल टू 80, एल्स में स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, फिर आर ई इक्वल टू 1000, देन एल्स इफ आर इज लेस देन इक्वल टू 100, देन आर ई इक्वल टू 1500, एल्स इफ आर लेस ग्रेटर देन, या डायरेक्ट एल्स भी दे सकते हैं, एल्स आर ई इक्वल टू 2000 था ना, यहाँ पे 2000 था। तो आप जैसे कि एल्स इफ मतलब समझे, एल्स इफ मतलब समझे कि नहीं समझे, इसमें एक ही इफ लगा, एक ही बार एंड इफ करना पड़ेगा। ओके, लेकिन आपने जो ब्लास्ट नेस्टेड हुआ था उसमें क्या था कि एक रिजल्ट फुलफिल होगा, देन दूसरा, देन तीसरा, चौथा। इसमें क्या है कि अगर एक रिजल्ट फुलफिल हो गया तो उसके बाद नीचे का जो लूप है वो परफॉर्म नहीं करेगा, सिर्फ यहीं पर रह जाएगा। okay. जहां उसको कंडीशन मिलता है इफ वहीं पर रुक जाएगा, नीचे कंडीशन को रीड नहीं करेगा। इसी को एल्स इफ कहा जाता है, एक ही इफ को माना जाता है, लेकिन एक ही इफ में कई सारे कंडीशंस ऐड हो जाते हैं, ऐसा ना सर? हाँ जी। और उसके बाद फाइनली रेंज ई के साथ हम कॉनकेटेनेट करते हैं आई को, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आर ई। तो यहां पे हमने
अब जैसे चार ही कंडीशन थे, हो सकता है 10-15 कंडीशन हो, तो हर बार इस रेंज रेंज ए ए एंड आई डॉट वैल्यू लिखने पे थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, लिखने में भी टाइम लगता, बार बार कॉपी पेस्ट, इसलिए हमने रूल कर दिया। सर रिकॉर्डिंग की परमिशन दे देंगे? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर, अच्छे हैं सर। मैं आपको कि नहीं सर? हाँ जी। अब मैं इसको एक बार रन करता हूं अपने इस डेटा। वर्क कर गया। लेकिन इसको जो है हम एक और तरीका से कर सकते हैं, जो आपको कॉम्प्लिकेटेड हो तो एक और तरीका है, उसको बोलते हैं केस। चलिए हम केस के बारे में बताते हैं। सब्जेक्ट सी एस अंडरस्कोर सन हो गया, सब करना था ना। तो यहां पे सब सब में अभी हम देते हैं कि फॉर्मूला कि डिम आर कॉमा आर ई एज ए लॉन्ग, बोलिया। फिर यहां पे देते हैं आर इक्वल टू, नहीं फोर लगाना पड़ेगा पहले, यहां फोर आई इक्वल टू चले टू से 7 9 8 नेक्स्ट, उसके अंदर में हम बाबा लिखे गो, इसी कॉपी करके पेज कर देते हैं। अब यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला सेलेक्ट, ठीक है। अब यहां पर होगा केस, आर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 0 2 हमने दिया 40, तो R इक्वल टू हमने बोला 5, आर ई होगा ना, आर ई इक्वल टू 500। फिर वापस केस 41 2 डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, आर ई इक्वल टू 1000, ओके। देन केस 81 to 100, केस नहीं, केस नहीं, यहाँ पे आर 2000। अब यहाँ पे हम एल्स या डायरेक्ट दे सकते हैं, केस ग्रेटर देन 100 इस भी दे सकते हैं यहाँ पे, देन आर ई इक्वल टू 5000, और यहाँ पे एल्स दे सकते हैं else, और यहां पे दे सकते हैं कि R इक्वल टू आर ई इक्वल टू, ठीक है, और यहां पे एंड सेलेक्ट। इस तरह की कंडीशन भी दे सकते हैं कि इज ग्रेटर देन, बिटवीन, इस तरह से कॉमा, और का है तो कॉमा कॉमा, एंड या और है तो कॉमा कॉमा लगा दीजिए, राइट सर? इस तरह के रीजन दे सकते हैं हम, तो केस केस करते हैं, सिलेक्ट केस। अगर याद होगा मैंने आपको एक आर्टिकल दिया था, अब मैं उस आर्टिकल को दोबारा खोलता हूं, याद है कि सर आर्टिकल दिया था ना, बुक आपने बताया था, एक नहीं एक आर्टिकल भी पढ़ने के लिए दिया था मैंने आपको, टेक ऑन द नेट का, हो सकता है भूल गया, क्योंकि मैं शाम के 8 बजे का भी बैच हमारा है, जो कि सेम चल रहा है, जो हम पे चल रहा है उनमें भी सेम चल रहा है। सर कौन सी बुक रेफर की थी आपने? बुक वही बीबीए की बुक है, यहाँ पे हमने आपको बोला था इसको बड़ा स्टडी है, यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन कहेंगे, इसमें लॉजिकल फंक्शन दिखेगा, कुछ नहीं, डेट एंड टाइम, मैथमेटिकल, लॉजिकल।
तो लॉजिकल में हमने आपको और कराया, हमने आपको एंड कराया, इफ भी कराया, और यहाँ पे इफ देन एल्स भी कराया आपको, और ये रहा केस। इसमें पूरा दिया हुआ है केस के बारे में, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट केस और हुआ कंडीशन वन, रिजल्ट कंडीशन टू, रिजल्ट कंडीशन थ्री, रिजल्ट। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है ना कि भाई केस एन हो तो नॉर्थ दिखे, केस एस हो तो साउथ दिखे, केस ई हो तो ईस्ट दिखे, डब्ल्यू हो तो वेस्ट दिखे, या बिटवीन कि केस वन से टेन हो तो नॉर्थ हो, इलेवन से ट्वेल्व हो तो नॉर्थ हो। अभी देखिए हमने यहाँ गलती की ना, हमें केस एल्स लगाना चाहिए था, देखिए मैं छोटा सा गलती कर गया, यहाँ पे जो एल्स दिया है इसमें केस एल्स देना होता है, ठीक है, ये आ जाए। उसके बाद यहाँ पे कॉमा के वन टू, इसमें दोनों में से कोई होगा तो नॉर्थ होगा, वन टू थ्री फोर फाइव में से कोई होगा तो नॉर्थ होगा, साउथ होगा, सिक्स होगा तो वेस्ट, इस तरह से कॉमा भी करके दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बिटवीन है, केस इज ग्रेटर देन लेस देन, इस तरह से दे सकते हैं। तो केस जो है वहां यूज होता है जहां कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस होते हैं। विजय जी, हाँ जी, और इफ के बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है, इफ तो मैंने आपको लास्ट के क्लासेस में पढ़ाया भी हूँ। इसमें आप बोल रहे होंगे कि इसमें कुछ और भी है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे फोर नेक्स्ट, तो इधर लूप है, तो लूप तो मैंने बताया मैंने आपको, उसके बाद एंड भी मैंने बताया और भी बताया, इसमें आपका स्विच है, डू वेल्ड है, तो स्विच और ये चीज आगे क्लासेस में आपको होगी। हालांकि एक्सेल का फॉर्मूला है स्विच, जिसमें इफ की तरह ये भी वर्क करता है। यहाँ देख लीजिए कि सप्लायर आईडी वन है तो आईबीएम दिए, सप्लायर आईडी टू है तो एचपी दे, कई सारे कंडीशंस हो तो इस तरह से इसका यूज किया जा सकता, चूज की तरह स्विच को, एक्सेल फॉर्मूला है। तो लॉजिकल कंडीशन आपको कंप्लीट हो गया, कोई डाउट विजय जी? नहीं अभी तक तो नहीं, बस इसका प्रैक्टिस कर लूंगा मैं। प्रैक्टिस करने के लिए एक प्रैक्टिस शीट की जरूरत पड़ जाएगी आपको, ठीक है? तो हाँ, मेरे पास एक कुछ क्वेश्चंस का शीट है जो कि मैं आपको देना चाहूंगा, एक कुछ क्वेश्चंस है जो कि ये सारे के सारे इफ कंडीशन से रिलेटेड है, राइट? ओके, अब इसको जो है आप एक बार अच्छे से कीजिए, क्वेश्चन समझा दो या समझ जाएंगे? एक बार थोड़ा सा समझा देता हूं। इसमें कंडीशन ये है कि यहां पे हमें कमीशन देने हैं, ग्रेटर देन 60 है, ग्रेटर क्वांटिटी ग्रेटर देन 60 है तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 40 यहां देना है, ठीक है? 40 रुपए पर यूनिट हमें कमीशन देना है, लेकिन जिसने 60 से ऊपर सेल किया है, इसको इफ से भी करना है एंड विदाउट इफ भी करना है। क्वेश्चन नंबर टू आपका सिंपल है, अगर ग्रेटर देन 40 है तो पास, अदरवाइज फेल। क्वेश्चन नंबर थ्री भी सेम है, ग्रेटर देन 200 तो एसटीडी, अदरवाइज लोकल। इसमें भी आपका सेम है, अगर टैक्स निकालना एमआरपी ग्रेटर देन 500 तो टैक्स 12%, अदरवाइज 5%। और यहां आपको देना है कि ड्यूटी टाइम अगर रात के 10 बजे से ऊपर है तो यहां पे आना चाहिए ओटी, अदरवाइज एनटी। फिक्स में है आपका कि सारे सब्जेक्ट अगर ग्रेटर देन 30 है तो पास, अदरवाइज फेल। इसको आपको नेस्टेड इफ से भी करना है और एंड से भी करना है, और विदाउट एंड नेस्टेड इफ से भी करना है, दिया हुआ है डू विदाउट एंड। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेड निकालना है, इस कंडीशन इस पे बिहाफ पे ग्रेड आना चाहिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे इंसेंटिव निकालना है, इंसेंटिव का स्लैब सामने आपको दिख रहा होगा, इंसेंटिव के स्लैब पे आपको इंसेंटिव निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या है कि इसमें पैन होना चाहिए, पैन के अलावा इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है एक्स और,
आपको एक्स सॉल्व का अल्टरनेटिव फॉर्मूला ढूंढना है, अल्टरनेटिव बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, हमें इसमें कल इसको आने देता हूं ताकि आप समझ सके। इसमें हमें इंसेंटिव कैलकुलेट करना है बट स्लैब के अकॉर्डिंग, मतलब कि 40 है तो 20 रुपए यूनिट है, 41 है 30 रुपए यूनिट है, 81 तो 100 रुपए यूनिट है, ग्रेटर देन 100 है तो 100 रुपए यूनिट है। जैसे किसी ने 35 सेल किया, जैसे आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, अगर किसी ने 35 सेल किया तो 35 मल्टीप्लाई 20 होगा, किसी ने अगर 45 कैलकुलेट किया है, मतलब कि उसने 40-20 के हिसाब से किया है, 5-60 के हिसाब से किया है, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई 60। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें ये बताना है, बताता हूँ आपको कि यहाँ कंडीशन है कि रेट होगा 17% ईयरली, राइट, फ्लोर लेस देन 5 होना चाहिए, बुकिंग अमाउंट जो है वो होना चाहिए लेस देन 10% ऑफ एमआरपी, और डिफरेंस मंथ और डेट, मतलब कि डेट और अभी का जो डिफरेंस है 20 महीने से ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो आपको क्या करना है, तो आपको यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट इक्वल टू एमआरपी का 10% माइनस बुकिंग अमाउंट, आपका इंटरेस्ट नहीं प्रिंसिपल है, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है, और आपका रेट जो है आर इक्वल टू है 17% ईयरली है, ठीक है, और टी इक्वल टू है नाउ टुडे माइनस माइनस 20। आप समझ में आया सर क्या करना है? हाँ जी, इंटरेस्ट हमें इंटरेस्ट निकालना है, कंडीशन हमारे पास ये है कि रेट 17% अर्ली होगा, फ्लोर जो है लेस देन 40 होना चाहिए, बुकिंग एमआरपी बुकिंग जो है बुकिंग अमाउंट बुकिंग जो होना चाहिए लेस देन ऑफ परसेंटेज 10% ऑफ द एमआरपी, एंड टाइम डेट होना चाहिए, अलग कंडीशन है कि जो डिफरेंस है डेट एंड नाउ, मतलब डिफरेंस मंथ डेट टू नाउ इज ग्रेटर देन 20। ये आपको कल यहाँ पे इंटरेस्ट है, ऐसे हमने फॉर्मूला लगा रखा है ताकि आप समझ जाए कि एक समय फॉर्मूला कैसे है, ताकि रिव्यू लगा सके, फॉर्मूला नहीं हटाया मैंने, अभी फाइल में आपको भेज रहा हूँ। क्या है आपका आईडी सर? VKAW ये ऊपर लिखा, इसको करके मुझे भेजिए, ठीक है, ठीक है, अगली क्लास में हम लूप के ऊपर डिस्कस करेंगे, ऐसा ठीक है जी। कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है? नहीं अभी तो नहीं, देखते हैं। चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके, फाइल अभी भेज दीजिए प्लीज।